तो नमस्कार दोस्तों, मैं उमा शंकर और आप देख रहे हैं यूएस टेक चैनल। दोस्तों आज हमारे पास आप देख सकते हैं कि ये जियो का एप 320B फ़ोन हमारे पास से रिपेयर होने के लिए आया हुआ है, एप 320B। और दोस्तों इसमें प्रॉब्लम क्या है वो हम आपको बता देते हैं। जियो ऐप 320B, ये कस्टमर ने बताया है कि हमने इसकी चार्जिंग कई जगह पे चेक करवा ली है, डलवा भी ली है, चेंज करवा ली है दो बार, लेकिन इसकी चार्जिंग नहीं हो रही है और नई चार्जिंग पिन डली हुई है आप देख सकते हैं। और चार्जिंग पिन डालते डालते एक पॉइंट भी उखड़ गया है, लेकिन चार्जिंग पिन जो है लगी हुई है नई, बिल्कुल प्रॉपर नई लगी हुई है, लेकिन इसमें चार्जिंग नहीं हो रही। भैया अगर आप बना सकें तो बना दीजिए। तो देखा कि इसमें कुछ डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, तो हमने भी देखा कि आपके लिए भी इसका एक वीडियो बना देते हैं। जियो ऐप 320B यानी कि क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम को जानने से पहले हम आपको बता देते हैं, ये चेक करना होता है कि सबसे पहले हमारा फ़ोन ऑन है कि नहीं। तो चलिए हम अभी दूसरी बैटरी से चेक कर लेते हैं, क्योंकि इसकी बैटरी डीप में है, इस वजह से हम इसकी बैटरी नहीं लगा रहे हैं। तो सबसे पहले हम फ़ोन को चेक करेंगे कि ऑन है कि नहीं। तो देख सकते हैं कि फ़ोन हमारा ऑन है, फ़ोन में प्रॉब्लम नहीं है। और इसके बाद हम अभी इसकी चेक करेंगे शॉर्टिंग। तो शॉर्टिंग चेक करने के लिए हमको लेना है मल्टीमीटर, बीप की रेंज पे सेट है मल्टीमीटर। और चलिए अभी हम इसकी शॉर्टिंग चेक कर लेते हैं। तो एक क्रॉक ग्राउंड पे लगाया हमने और दूसरा तो बीप की वॉइस आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 472 जो कि परफेक्ट रीडिंग है। और इस साइड से लगाने पे कोई भी रीडिंग नहीं मिल रही है हमको, और इस साइड से लगाने पे हमको रीडिंग मिलेगी। तो मतलब फ़ोन में कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। अब बात आती है चार्जर लगाने की, तो चलिए चार्जर लगा लेते हैं। देख सकते हैं कि हमारे पास ये मिनी मशीन है और ये चार्जिंग फुल हो चुका है, चार्जर लगा हुआ था इसमें। और देखिए अभी चार्जिंग लगाते हैं तो ये चार्जर भी वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ये चार्जर चालू है, ठीक है। अभी हम इसी चार्जर से इसको लगाते हैं चार्जिंग पे, और चार्जिंग पे लगाने के बाद मल्टीमीटर को डीसी की 200 रेंज पे सेट कर देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे कितना वोल्टेज मिल रहा है हमको, इस साइड इसको लगाएं या उस साइड उसको लगाएं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। वोल्टेज दिखाई देते हैं अगर चार्जिंग के लिए आता है तो। यहाँ पे कोई भी सप्लाई जो है चार्जिंग के लिए नहीं मिल रही है। और यहाँ पे देखें हम सीधा सीधा, तो यहाँ पे भी हमको सप्लाई नहीं मिल रही है जबकि चार्जर चालू है और चार्जिंग जैक भी नया है। तो अब बात आती है कि अब प्रॉब्लम कहाँ पर है। तो इसको चार्जर को निकालते हैं एक बार, और निकालने के बाद अभी बजर रेंज पे फिर से मल्टीमीटर को सेट कर दिया है। और अब देखते हैं हम ग्राउंड पे लगा के, तो ये हमारा इसका डायोड है चार्जिंग वाला, तो डायोड पे सबसे पहले चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे फुल शॉर्टिंग आ रही है, जबकि यहाँ पे 500 से 600 की समथिंग रीडिंग हमको मिलनी चाहिए, 500 से 700 के बीच में रीडिंग मिलनी चाहिए, वो कि बीप की वॉइस दे रहा है, यानी कि ये फुल शॉट यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमको। यहाँ पे भी फुल शॉट दिखाई देगा क्योंकि लाइन तो एक ही है। और इसके आगे ये कॉइल लगी हुई है, और इसके बाद यहाँ पे भी बीप की वॉइस, और यहाँ पे 451 रीडिंग मिल रही है। तो देखते हैं कि इसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे होगा। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि ये वाला जो डायोड लगा हुआ है इसको हम रिमूव करें, अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो। सबसे पहले हम इस डायोड को रिमूव करेंगे, कौन सा डायोड पास से दिखा देते हैं, ये वाला डायोड आपको हटाना है। चलिए हम हटा लेते हैं, और हटाने के बाद इसमें दूसरा डायोड लगा के दिखाएंगे आपको।
तो आप देख सकते हैं कि ये वाला डाई बोर्ड निकाल के हमने इसमें लगा दिया है और इसका निकाल के हमने साइड में कर दिया है, वो कि ये रहा। ठीक है, अभी चेक करते हैं कि क्या डाई बोर्ड से प्रॉब्लम सॉल्व हुई है कि नहीं, क्योंकि और भी समस्याएं होती हैं, कहां कहां प्रॉब्लम ये हो सकती है वो हम आपको बताएंगे, तो वीडियो को अभी छोड़ना नहीं। तो अभी मल्टीमीटर हमारा बीप की रेंज पे सेट है और ग्राउंड पे रखा एक सिरा। इसके बाद यहाँ पे वोल्टेज देख रहे हैं तो देख सकते हैं कि 477-78 वोल्टेज आ रहा है, तो यहाँ पे भी रीडिंग ठीक मिलने लगी है। पहले यहाँ पे बीप की वॉइस मिल रही थी हमको, अब रीडिंग ठीक मिलने लगी है। तो ये प्रॉब्लम अधिकतर इसी डाइवोर्ट से क्रिएट होती है जो कि हमने अभी निकाल दिया है, ये रखा है। और इसके बाद भी अगर ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता तो ये वाला कैपेसिटर होता है, इससे भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, ये वाली आईसी से भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, इसके बाद ये जो आईसी लगी हुई है इससे भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ पे छेड़ाखानी करने से पहले आप इस डाइवोर्ट को देखिए, इसके बाद आप इस कैपेसिटर को देखिए, इसके बाद आप इस साइड को मुड़े, क्योंकि ये बहुत ही कम ख़राब होती है, क्योंकि बीच में आईसी लगी होती है, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आईसी पहले ख़राब हो जाती है, इसके बाद आप इस आईसी तरफ देखेंगे। तो ये डाइवोर्ट ख़राब था, वो हमने चेंज कर दिया है। चलिए अभी चेक करते हैं कि क्या हमारी चार्जिंग होना स्टार्ट हो गया है कि नहीं। तो जैसे ही चार्जर हमने लगाया और चार्जर लगाने के बाद देख सकते हैं कि चार्जिंग भी होना स्टार्ट हो गया है, यानी कि इसमें ये सिस्टम होता है कि जैसे ही बगैर बैटरी के भी लगाएंगे तो अप डाउन होना मोबाइल चालू हो जाता है। तो देख सकते हैं कि चार्जिंग भी स्टार्ट हो गई है। तो इस तरीके से आप अपनी फुल शॉर्टिंग, यानी कि इसमें शॉर्टिंग जो थी वो चार्जिंग सेक्शन फुल शॉर्टिंग थी, यानी कि चार्जिंग सेक्शन इसका जो फुल शॉर्ट था, तो इस वजह से इसकी चार्जिंग नहीं हो रही थी। तो हमने इस डाइवोर्ट को चेंज कर दिया है, ये वाला डाइवोर्ट, और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।